प्यार में ना बहुत ताकत होती है। कॉलेज में था मैं जब इनसे मिला, फिर मेरे पास दो ही ऑप्शन थे, या तो पढ़ाई करके करियर पे फोकस करूं या प्यार करके घर बसा लूं। और मैंने इनसे बोल दिया मुझे सिर्फ प्यार चाहिए, मैं जिंदगी भर प्यार से निकाल लूंगी इनके साथ। आज आप देख ही रहे हो हम कहां पर हैं। दोस्तों आए दिनों इंटरनेट पर हमें एक से बढ़कर एक वीडियो देखने को मिल जाता है, जिनमें से कुछ तो चौंकाने वाली होती है तो कुछ बेहद ही फनी, जिसे देख आप अपनी हंसी को कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे। तो यार आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही वीडियोज को लेकर हाजिर हैं, जिसे देख आप हंस हंस के लोटपोट हो जाएंगे। तो यार देर किस बात की, चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, जिसका टाइटल है फनी मोमेंट कॉट ऑन कैमरा पार्ट 9। अब भाई मिले इस मोहतरमा से, जिनकी बाइक की सीट जब बारिश में भीग गई, तो इन्होंने सीट को साफ करवाने के लिए क्या तगड़ा जुगाड़ लगाया, जरा आप भी देखो। चलो यार चल के थोड़ा सामान ले आती हूँ। अबे यार स्कूटी तो गीली हो रही है, बैठूंगी तो कपड़े गंदे होंगे, किसी को पकड़ते हो। एक्सक्यूज मी भैया, भैया मेरी ना स्कूटी स्टार्ट नहीं हो रही है, आप थोड़ा हेल्प कर दोगे प्लीज। थैंक यू सो मच भैया। चलो यार अपना तो काम हो गया, चलते हैं अपन घूमने। वाह दीदी वाह दीदी। नहीं नहीं दीदी वाह दीदी। वाह मैडम वाह, आपने तो मौज कर दी। अब भाई मिले इस महाशय से, जो पहुँचे जब ससुराल तो वहाँ इनको पीने के लिए चाय लाया गया, पर भैया इन्होंने चाय ना पीने का क्या अनोखा रीजन दिया, जरा आप भी सुनिए। चाय चाय नहीं पीते। क्यों चाय पीते रही कर आओ। मतलब यार भगवान ने तो पहले से ही इनको इतना खूबसूरत बना रखा है, भला चाय इनकी क्या बिगाड़ सकती है। अब भाई इस फनी क्लिप में ये मोहतरमा जब हाइट पर रखी अपने जूते को उतारने के लिए बोली, तो इनके हस्बैंड महोदय ने उसके बदले क्या कंडीशन रखा, आप खुद ही देख लीजिए। जूते हैं? जूते ऊपर किसने रखे? मैंने नहीं रखे। तो चाहिए उतार दो। क्या अरे ये उतार दो। अरे एक दो। सुकून का नाम सुना है? हाय हाय इतना सुकून यार, ये हाइट ना होने का वो ले रहे हैं मेरे। दो एक और, एक और दो ने यार, एक टाइम ही घूमूंगी क्या? दस बार और दे दो। दस बार और तीन चार पाँच छह यार, ये कित हाथ आके फैलाओ तथा। मतलब भैया इसे देखने के बाद हर कोई यही सोच रहा होगा, हे भगवान ऐसे बीबी सबको देना। लो भैया अब मिलो इस महाशय से, जिन्होंने जब इस कार वाले से लिफ्ट मांगी तो कार वाले ने लिफ्ट देने के लिए कार को रोक दिया, पर भैया उसके बाद जो हुआ उसे देख आप अपनी हंसी को रोक ही नहीं पाएंगे। उमर दी हौली हड़िए तू नी बच के रह। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। भाई साहब कार वाला भी चक्कर में पड़ गया, यार ये अचानक से गायब कहाँ हो गया। अब यार मिली इस लड़की से, जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ जब आई पार्क घूमने, कि तभी एक लड़का अचानक से इस लड़की के भाई को लेकर हाजिर हो गया, जिसको देखकर तो भैया बॉयफ्रेंड बाबू तुरंत वहाँ से 9-2-11 हो गए। क्या कर रही है? क्यों क्या हो गया? क्या हो गया? रुक जा अभी तेरा भाई उन भी आ रहा, रुक जा 4-5 जना लेके आ रहा हूँ मैं। बताया नहीं तुम्हारा भाई भी आ रहा है? रुक जा ओ आ जाओ आओ रे आ जाओ देखो तुम समझ लेना। अरे रुको ये मेरे भाई नहीं है। मतलब यार लड़की भी सोच रही होगी कि यार इसका चले तो ऐसे ही मुझे कहीं भी छोड़कर निकल लेगा। अब यार मिली इस जनाब से, जो सभी को इकट्ठा करके जब अपना बर्थडे का केक काट रहे थे, कि तभी केक कटते ही अचानक से बिजली भी कट गई, और फिर उसके बाद जो हुआ उसे देख आप भी हंस पड़ेंगे। भाई साहब केक खा
आने की उम्मीद में बैठे सभी के चेहरे पर 12 ही बज गए। अब भाई मिली इस मैडम से, जिनके हस्बैंड महोदय जब अचानक से घर पर अपने कलीग को लेकर आए डिनर पर, तो मोहतरमा ने खाने में सिर्फ दाल बना रखी थी। पर भैया इसके बावजूद भी मोहतरमा ने क्या जबरदस्त मैनेजमेंट किया, जरा आप भी देखो। हाय हाय बेबी, मेरे कलीग्स हैं। ओ भाई, मैडम ने तो दाल गिराकर सारा प्लान ही चौपट कर दिया। अब भाई इस क्लिप में ये रिपोर्टर जब इस गांव में पहुंचे रिपोर्टिंग करने, तो इन्होंने इस ताऊ से गांव के विकास के बारे में पूछना शुरू कर दिया। पर भैया ताऊ ने इनको जो अनोखा जवाब दिया, उसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। विकास पहुँचा है आपके गाँव में? विकास हाँ। हम नए थे यहाँ सर, हम मतलब यार जब गांव के सबसे वरिष्ठ आदमी का ये हाल है, तो भला गांव का विकास कैसे होगा। वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो मेरे यार वीडियो को लाइक जरूर करना, आगे और भी मजेदार वीडियो दिखाने वाले हैं। पर हाँ, उससे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आप इस वक्त किस गांव, किस शहर या किस देश से इस वीडियो को देख रहे हैं, जरा कमेंट में हमें भी बताएं। अब भाई मिले इस मोहतरमा से, जो कार में बैठने के लिए जब रिक्वेस्ट कर रही थी, तो इस बंदे ने इनको कार में बैठने के बदले बीच सड़क पर ही डांस करवा डाला। गाड़ी में बैठना है, नाच के दिखा। पागल है क्या, इतने सारे लोग हैं यहाँ पे, तो क्या हुआ, सबका एंटरटेनमेंट हो जाएगा। तार बिजली से मतलब यार कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं। अब भाई मिले इस विकलांग भिखारी से, जो भैया सड़क किनारे बैठकर जब भीख मांग रहा था, कि तभी ये बंदा आया और इसका टोकरी लेकर भागने लगा। पर भाई साहब जैसे ही वो टोकरी लेकर भागा, ये लंगड़ा भिखारी तुरंत अपनी एक्टिंग बंद करके उसके पीछे दौड़ने लगा। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई मारो मुझे। मतलब भैया क्या जमाना आ गया कि लोग पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। भाई ये मैडम जब अपने घर पर बॉयफ्रेंड के साथ बॉटल वाला गेम खेल रही थी, कि तभी इनके बॉयफ्रेंड ने इनके साथ एक अलग ही प्रैंक कर डाला। भाई मिले इस बंदे से, जो वाइफ के बगल में रहते हुए भी 30 मार खान बनने की कोशिश कर रहा था। पर भैया ये मोहतरमा तो इनसे भी 4 कदम आगे निकली और इनको रंगे हाथ दबोच लिया। भाई मिले इस परी से, जो घर पर ही जब म्यूजिक सिस्टम लगाकर गाना गाने का प्रैक्टिस कर रही थी, कि तभी इनका डॉगी इनका गाना सुनकर कुछ ऐसा किया जिसे देख आप अपनी हंसी को रोक ही नहीं पाएंगे। नो भाई साहब कुत्ता भी सोच रहा होगा कि यार बंद करो, कौन है ये फटी बांसुरी बजा रहा है। भाई ये बंदा जब स्कूल से घर जा रहा था, कि तभी रास्ते में इस रिपोर्टर ने इनको रोक कर पूछना शुरू कर दी, कि भैया बताओ तुम पढ़ाई के बाद क्या करोगे। तो लड़की ने जो जवाब दिया, उसे सुनकर रिपोर्टर भी चौंक गए। तेरे बनने का लाइफ में, लाइफ में बनने का बिजनेसमैन। बिजनेस कौन सा बिजनेस करोगे? हाँ लड़कियों का। ये क्या बात करता है यार। मेकअप पाउडर।
मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। मतलब यार ऐसे पॉज देकर कौन बोलता है। अब भाई मिले इस परी से, जो हस्बैंड के साथ जब पहुंचे सब्जी लेने, तो वहां पहुंचकर दुकानदार से इन्होंने ऐसी सब्जी मांगी कि दुकानदार भी दंग रह गया। और बताइए जी, और क्या दे दूं आपको? और ना आप गाजर कर दो। ये लीजिए जी, गाजर दे देता हूं आपको। ये कलर नहीं, कोई दूसरा कलर दिखाओ। ओ बहन जी, गाजर कौन सी दूसरे कलर की होती है? यही होती है गाजर तो। आती है व्हाइट कलर की आती है। कुछ भी भाई साहब, ये 1 किलो मूली कर देना। हाँ हाँ भाई, मूली देता हूँ यार तुम्हें, तो देता ही हूँ। हाँ, यही गाजर चाहिए। मतलब यार मुझे तो पता ही नहीं था कि परियां आजकल मूली को गाजर कहना शुरू कर दी हैं। कमाल है भाई। तो हाँ यार, कैसी लगी ये वीडियो? उम्मीद